इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आ सकता है किसी भी एग्जाम में इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। क्या तीन चार्जेस हैं, एक चार्ज 2q, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पड़े हुए हैं, डिस्टेंस ए ए ए। आपको निकालना है कि डायपोल मोमेंट इस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि शुरू शुरू में आपको डायपोल दिख नहीं रहा, क्योंकि ना तो माइनस क्यू डायपोल बना रहा है, ना माइनस क्यू 2q बना रहा है, ना 2q माइनस क्यू बना रहा है, क्योंकि डायपोल के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस चाहिए। तो आपने क्या करना है, चार्ज एडिटिव है तो आपने मन में इसको सोचना है क्यू प्लस क्यू, क्यू एंड क्यू अलग अलग, तो एक क्यू और माइनस क्यू एक डायपोल बन गया, दूसरा क्यू और माइनस क्यू दूसरा डायपोल बन गया। अब डायपोल मोमेंट होता किस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक डायपोल कैसे बनेगा, माइनस से प्लस पी वेक्टर, दूसरा कैसे बनेगा, माइनस से प्लस पी वेक्टर, ठीक। तो पी वेक्टर एंगल इनके बीच में 60, नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2 PP कॉस ऑफ 60, कॉस 60 क्या है, हाफ, सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। पी क्या होता है, क्यू इंटू 2A, पर यहां पर 2A नहीं, यहां पर A, आंसर ये मार्क करना है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, 2q को मन में कैसे ब्रेक करना है, q एंड q, तो दो डायपोल बन जाएंगे, वहां से डायपोल मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है यहां तक। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ट्राई करो, तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में आपको तीन आइडेंटिकल डायपोल्स गिवन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, पी पे निकालना है। तो डायपोल मोमेंट इसका कहाँ पर है, टूवर्ड्स राइट, तो इनका डिस्टेंस ना 2a ले लेना स्टैंडर्ड, कोई बात नहीं, पी वेक्टर राइट है। तो इस डायपोल के लिए पी पॉइंट कौन सी लाइन पर है, एक्सियल, तो एक्सियल लाइन पे पी और ई में एंगल क्या होता है, जीरो, तो यहां पर ई एक्सियल राइट की तरफ आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक हो गया। अब नीचे वाले डायपोल में डायपोल मोमेंट कहां पर है, टुवर्ड्स राइट, लेकिन पी पॉइंट इसके लिए क्या कर रहा है, इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल में पी वेक्टर एंड ई वेक्टर में क्या वैल्यू होगी, डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट, उल्टा होगा 180,
इसमें डायपोल मोमेंट कहां है? टूवर्ड्स राइट, और ये पी पॉइंट इसके लिए कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में पी एंड ई लेफ्ट की तरफ, ई इक्वेटोरियल ऐसे होगा। तो अब यहां से फॉर्मूला निकालेंगे ई इक्वेटोरियल का, यहां से निकालेंगे ई इक्वेटोरियल का, यहां से निकालेंगे ई एक्सियल का। डिस्टेंसेस आर की जगह हर जगह एक्स गिवन है, तो दो वेक्टर ऐड करेंगे तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो कैसे सॉल्व करने समझ में आ रहा है इस टाइप की प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चन में? मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है। इसमें ना अपने को ना जेड एक्सिस को इधर लेना पड़ेगा, तो क्योंकि के कैप है ना पी और पी बाई टू, तो आपको इस पॉइंट पर क्या निकालना है? ई निकालना है। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट कहाँ पर है? टूवर्ड्स राइट। तो इसके लिए ये पॉइंट क्या है? ई एक्सियल। और उसी तरीके से इसमें पी वेक्टर राइट है पर इसके लिए क्या है? ई इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल में से ई एक्सेल में से जो बड़ा होगा, बड़े में से छोटा माइनस। तो कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकलेंगे, वहां से आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?